नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत जी मुझसे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ राजधानी पटना स्थित ज्ञान भवन में। और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ बिहार महिला उद्योग संघ की द्वारा आयोजित द एनुअल दशहरा मेला के अवसर पर आपका भी स्टॉल लगा है और दर्शकों के द्वारा ग्राहकों के द्वारा बहुत ही प्रशंसित है। बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा आयोजित दशहरा मेला 2022 में आपका भी स्टॉल देखकर बहुत खुशी हो रही है। विशेष रूप से जो बूढ़ा बुढ़िया है वो एक विशेष आकर्षण है। नमस्कार जी, अपना परिचय देंगे। नमिता आजाद पश्चिमी चंपारण की हूँ और मैं कन्यापुत्री डॉल बनाती हूँ जो कि कपड़े की बनने वाली डॉल है और ये प्रकृति के अनुरूप है और परंपरा के लिए को बचाती है। ये कन्यापुत्री डॉल जो है अब विलुप्त हो गई है और मैं इसको फिर से शुरू करना करती हूँ और सबके सामने लाना चाहती हूँ कि पहले दादी नानी के ज़माने में ये डॉल बना करती थी लेकिन अब ये बनना बंद हो गई है तो मैंने इसको फिर से शुरू किया। इस बार मेले में विशेष आकर्षण क्या, कोई नया चीज दिखाई? जी क्या नया? तो कन्या पुत्री तो रहती ही है जो कि माँ और बेटी होती है, इसलिए है माँ और बेटी। ये कन्या पुत्री उसी के नाम पे मेरा डॉल है, गांव में बोला जाता है। लेकिन इस बार मैं बेटियों के लिए ये लाई हूँ कि स्कूल चले हैं तो अभी इस बार मतलब मैं ये लेके आई हूँ कि स्कूल जाना जरूरी है, बच्चियों के लिए शिक्षित होना जरूरी है और हमें लड़कियों को भी बचाना है और अपने डॉल की जो परंपरागत डॉल है उसको भी बचाना है, तो इसलिए मैं इसको साथ लेके चल रही हूँ। आप सिखाती भी हैं? जी जी, मैं सिखाती भी हूँ। मेरे घर के डॉक्टर्स कॉलोनी कंकड़बाग में इसका ट्रेनिंग होता है। कोर्स कितने महीने का है? ये तो लंबा चलता है, अगर आप जितना जल्दी सीख जाए उसके हिसाब से अपने सीखने के ऊपर है कि कितना दिन में ये लोग सीख सकता है। ये गुड़िया बनाने के लिए क्या जरूरी है कि उसमें कला की प्रतिभा भी होनी चाहिए, मतलब कि चित्रकला का भी उसमें टैलेंट होना चाहिए? जी नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। जिस लड़कियों को सिलाई करना नहीं आता है मैं उनको सिलाई भी सिखाती हूँ और उसको अगर कुछ उसमें वैसा नहीं है तो वो मैं ट्रेनिंग करके और फिर उनको आगे इसके लिए काम बढ़ाती हूँ। कितना समय का कोर्स? कितना देखिए, ये 6 मंथ का कोर्स होता है। जी, 6 मंथ के कोर्स में सारी लड़कियाँ हर तरह की चीज़ को सीखती हैं। अच्छा, ये विषय क्या क्या है जरा बताएंगे? जरा गुलाब जलन तो दिख रहा है। जी, गुलाब जलन है, माँ बेटी है जी। और यहाँ पे ये है, स्कूल जा रही है लड़कियाँ। जी, और ये भी है कि अभी क्या हो रहा है कि एकल परिवार का समय आ गया है तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग संयुक्त परिवार में रहें और एकजुट होकर रहें ताकि जो बूढ़े बूढ़ी हैं, जो मदर फादर है उनका भी बच्चा सेवा कर सके, इसलिए संयुक्त परिवार को भी दिखाना मैं चाहती हूँ कि सब लोग को संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। बहुत ये जो कला है गुड़ा गुड़िया बनाने का, ये प्रशिक्षण किसी से दी है आप या खुद अपनी से बनाना? जी, मेरे गांव में जो कि बेतिया जिला की हूँ मैं, तो वहाँ पे हर लड़कियाँ इसको बनाती हैं, मतलब दादी और नानी बनाती हैं तो बेटियों को भी बनाना जरूरी है, इसलिए कि हमारे यहाँ शादी में बक्सा में ये गुड़िया और गुड्डा दिया जाता है और ये शुभ माना जाता है, तो इसलिए सबको जानना जरूरी है, तो वो हम लोग देख के सीख गए, कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया है, अपने दादी और नानी से ही इस चीज को ट्रेनिंग लिया। बहुत अच्छा। और ये कला जो है गुड्डा गुड़िया बनाने का, क्या क्यों लड़कियां ही नहीं कला या लड़के भी सीख सकते हैं? लड़के भी इसको सीखते हैं, लड़के भी इसको बहुत चाव से बनाते हैं और सीखते हैं और अच्छा अच्छा आइडिया भी देते हैं, जैसे निफ्ट का बच्चा, पटना निफ्ट का भी बच्चा लोग, बच्चा और बच्चियां सब सीखती हैं और बहुत सारा अपना आइडिया भी देती हैं और मैं भी उन लोगों को बहुत सारा आइडिया देती हूँ। ये गुड्डा गुड़िया का जो आपकी कला को बचा कर रखी है और बच्चियों को इसका प्रशिक्षण दे रही हैं, ये तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात है कि
इस क्षेत्र में आप कर रही हैं, इतना मेहनत कर रही हैं, बिहार सरकार की ओर से आपको पुरस्कार वगैरह मिला या नहीं? अभी तो एक सम्मान मिला है कोरिया कला में जी, हमारे बिहार का ही सम्मान मिला है और दक्ष देशक शिल्प सम्मान गुड़िया में मिला है। बधाई, देखते हैं बधाई क्या वो मिलता है सरकार तक हमारा मतलब। बिहार से बाहर भी आप इस प्रदर्शनी को लगाई है क्या पूरा गुड़िया का? कहाँ कहाँ? दिल्ली में लगाई हूँ सर, प्रगति मैदान नहीं है, सीसीआरटी वहाँ पे कला और शोध संस्थान है, संस्कृति कला शोध संस्थान है दिल्ली में, द्वारका में मुझे बुलाया गया था और मैं वहाँ इसको स्टॉल लगाई थी और मैं इंडिया टॉय फेयर जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था और वर्चुअल हम लोगों से मिल के कन्या पुत्री डॉल को लाइक भी किया था और उसका स्टॉल भी लगवाया। विदेशों से भी ऑफर आया है? विदेश में, अरब में, दुबई में, सब जगह मेरी डॉल गई भी है और अभी अमेरिका में भी डॉल। यह जो कला के क्षेत्र में आपकी पहचान, इसका श्रेय किसे देंगे आप? कला के क्षेत्र में गुड्डा गुड़िया बनाने के कला के क्षेत्र में जो आपकी पहचान है, इसका श्रेय किसे देंगे आप? सर ये तो श्रेय मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे परिवार और मीडिया वाले लोग और आपको भी मैं कह रही हूँ। अमित निधि जी भी मेरे लिए बहुत मतलब इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं, आप भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किए हैं, उसके बाद बिहार सरकार के लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, फिर महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के भी लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट सब जगह से मिल रहा है सर। और अभी एक बिहार फाउंडेशन है, उन लोगों ने भी मेरे डॉल को अपने उसमें डाला है फेसबुक, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं रंजन कुमार, अमृत जी, अमृत जी न्यूज पटना बिहार, नमस्कार, पुरस्कारों की बारिश हो जी, धन्यवाद सर, जरूर तो मिठाई खाने भी आएंगे।